हेलो फ्रेंड्स, आज हम वेज स्प्रिंग रोल बनाएंगे। इसे बनाना बहुत आसान है, बहुत जल्दी बन जाती है। तो वेज स्प्रिंग रोल बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैदा का डो तैयार कर लेते हैं। दो बॉल, छोटी बॉल से मैदा लिए हैं। तेल, नमक, पानी, बड़ा बाउल में मैदा को डाल लेंगे। नमक छोटी चम्मच एक चम्मच, तेल बड़ी चम्मच एक चम्मच। तेल और नमक अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पानी थोड़ा थोड़ा सा डालेंगे। सॉफ्ट डो बना लेंगे। जिस तरह से रोटी का डो बनाते हैं उस तरह से डो बना लेंगे। डो को ढककर 15 मिनट तक छोड़ देंगे, तब तक स्टफिंग बना लेंगे। पैन गरम हो गया है, इसमें तेल डाल देंगे। लहसुन, अदरक, हरी मिर्च को भी छोटे साइज में काट लिए हैं, इसे भी डाल दिए। प्याज भी छोटे साइज में काट लिए हैं, इसे थोड़ा सा भून लेते हैं। सब्जी में लिए हैं गाजर, बंदा गोभी, शिमला मिर्च, गाजर को कद्दूकस कर लिए हैं। शिमला मिर्च को छोटा साइज में काट लिए हैं। बंदा गोभी भी छोटा साइज में काट लिए हैं। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे 2 मिनट तक भून लेंगे। सब्जी को 2 मिनट तक भून लिए हैं। इसमें काली मिर्च पाउडर 1 चम्मच डाल दिए, इसे भी थोड़ा सा भून लेते हैं। टमाटो सॉस 2 चम्मच, सोया सॉस 1 चम्मच, रेड चिल्ली सॉस 1/2 चम्मच, इसे 1 मिनट तक अच्छे से भून लेंगे। नमक को अभी नहीं डालेंगे क्योंकि गर्म है, जब ठंडी हो जाएगा तो नमक को मिलाएंगे, क्योंकि गर्म में नमक डालने से पानी निकल आता है। स्टफिंग बन के रेडी हो गया है। डो को 15 मिनट हो गया है, इसे 1 मिनट तक गूंद लेते हैं। अब छोटी छोटी लोई बना लेंगे। एक साइज का लोई बनाएंगे। सारे लोई बना लिए हैं। अब इसे बेलना शुरू करते हैं। लोई को सूखा मैदा में लगाकर बेलेंगे। लोई को अभी छोटे साइज में बेलेंगे, फिर इसे डबल करेंगे।
दो ठो वेल्ली हैं, इसमें तेल लगा देते हैं, फिर ऊपर से सूखे मैदे डाल देंगे और दूसरा रोटी रख कर इस तरह से अच्छे से दाब कर फिर से सूखे मैदे लगा कर बेल लेंगे। दम पतला बेल लेंगे रैपर की तरह। इसी तरह दूसरा भी बेल लेंगे। सिंगल भी बेल सकते हैं लेकिन सिंगल बेलने में बहुत टाइम लगता है। इसी तरह सारे सीड्स बेल लेंगे। सारे सीड्स बेल लिए, तवा गरम हो गया है, इसे सेक लेते हैं। बिना तेल का सेकेंगे। दोनों तरफ पलट पलट कर सेक लेंगे। ज़्यादा इसे नहीं सेकना है, बस थोड़ा सा हल्का सा बबल टाइप का हो जाएगा। इसी तरह सारे सीड्स सेक लेंगे। सारे सीड्स सेक लिए हैं, अब इसे अलग कर लेते हैं। दोनों को डबल किए थे जिसको, देखिए कितना आसानी से अलग हो जाता है। थोड़ा सा मैदा लिए हैं, पानी डालकर बैटर बना लेते हैं। गाढ़ा बैटर बनाएंगे। अब स्टफिंग भर लेते हैं सीड्स में। दो चम्मच स्टफिंग डालेंगे। ये जो बैटर है साइड में लगा देंगे इस तरह से। ये साइड के हिस्से इसे चिपका देंगे। दोनों तरफ मोड़ लेंगे। इस तरह से रोल कर लेंगे। इसी तरह दूसरा में भी स्टफिंग भर कर रोल कर लेंगे। ये मैदे का घोल जब तलते हैं तो पक जाता है। इसी तरह सारे बना लेंगे।
सारे स्वीट्स में स्टफिंग भर लिए हैं। अब इसे तल लेते हैं। तलने के लिए तेल गरम हो गया है। गैस को मीडियम फ्लेम पर रखेंगे, ऐसे गोल्डन ब्राउन होने तक तलेंगे। स्प्रिंग रोल को पलट लेते हैं। गोल्डन ब्राउन हो गया है, इसे निकाल लेंगे। इसी तरह सारे भेज स्प्रिंग रोल को तल लेंगे। सारे वेज स्प्रिंग रोल तल लिए हैं। अब इसे सर्व करते हैं। सर्व कर दिए हैं। कितना परफेक्ट बना है। अगर मेरा रेसिपी अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। बाय।